माओसिस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ने 50 से अधिक राजपूतों की हत्या कर दी। कमाल है। लालू यादव के सत्ता में आने से पहले ही यादव मार रहे हैं लोगों को। लालू यादव किसी को क्या आवाज देंगे? माओवादी पीपल फ्रंट, लेफ्ट पीपल फ्रंट, इन लोगों ने जो लगातार हत्याएं की थी, तो डर के वर्सेस डर का खेल अब शुरू हो गया था। अब इनको भी दिखाना था कि हम डरपोक नहीं है। सुरेश शर्मा दाह संस्कार से लौट रहे थे तब तक 9 भूमिहारों की हत्या कर। बहुत दुखद। लेकिन अपनी अपनी जातियों के यहां से तर्क शुरू होते हैं कि तुम हमको मारोगे, हम तुमको छोड़ देंगे। लेकिन वो जो बिहार के हम जैसे बच्चों में जब हम बड़े हो रहे थे, जो गोलियों की तड़तड़ाहट का, गोलियों के गर्जन का जो कान पर प्रभाव है ना, वो आज तक गया नहीं। नमस्कार, जय श्री राम। अभिषेक तिवारी शो का स्पेशल एडिशन, बिहार में बेरोजगारी और पलायन क्यों है, इस पर एक शो सीरीज करेंगे हम पूरे 2025 तक, जिसका ये पहली कड़ी है। देखिए, बिहार में पलायन, बेरोजगारी, इन सब का सबसे प्रमुख कारण जो हम पहले चैप्टर में बात करेंगे वो था जातीय हिंसा और नरसंहार। इस पूरे नरसंहार में कांग्रेस, एक्चुअली ये शुरुआत तो कांग्रेस के शासनकाल के बाद से ही शुरू हो गई थी इसकी, किंतु जो मुख्य बातें हैं वो समझना बहुत आवश्यक है कि जातीय नरसंहार का बिहार के हिंदुओं के ऊपर एक विशेष प्रभाव ये पड़ा कि सामूहिक पलायन। हालांकि तेजस्वी यादव या लालू यादव के समर्थक ये कहते हैं कि उन्होंने गरीबों को आवाज दी, तो आइए इसमें मैं विश्लेषण करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट नरसंहार का, जिसमें दूर दूर से सवर्ण जाति तक का कोई तो लेना देना भी नहीं था शुरू में। बाद में चूंकि सभी उस वर्चस्व की लड़ाई में शामिल हुए, तो वो सवर्ण जाति तक भी पहुंचा और इस पूरे खेल में लेफ्ट बहुत बड़ा प्लेयर बन के उभरा, जिसने बेगूसराय में कहा कि वो लेनिनग्राद है। लेकिन ये मानसिकता आई क्यों, कहां से, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1977 में जो सबसे पहला नरसंहार हुआ वो बेलछी नरसंहार है। अब इस नरसंहार की कहानी जान लीजिए। कुर्मी जमींदार वर्सेस पासवान के बीच ये पूरी लड़ाई रही। इसमें पासवान जाति से जुड़े लोगों की हत्याएं हुई और कुर्मी समाज के लोगों ने किया। अब कुर्मी जमींदार था 1977 में, 1977 में, किंतु राजद आज की राजनीति में कहती है 3% वाले ब्राह्मणों ने हम पर हुकूमत की है, गुलामी की है। और आरजेडी आईटी सेल में शामिल, मैं पहले ही बता दूं, आरजेडी आईटी सेल में शामिल कुछ तथाकथित कुर्मी नेता ये कहते कि इन्होंने हमें सदियों तक प्रताड़ित किया। कमाल है, 1977 में भी तुम जमींदार थे यार, और तुमने पासवानों के साथ क्या किया, ये मैं एविडेंस के साथ बता रहा हूं। पीपरा नरसंहार 1979-1980, ये जहानाबाद के पास स्थित है। और इस नरसंहार की कहानी बड़ी दिलचस्प है। मुसलमान जब भारत छोड़ करके गए तो उन जमीनों पर कुर्मी जमींदारों का कब्जा हुआ। अब सुनिए, कुर्मी जमींदारों का कब्जा हुआ 1979 में, कुर्मी के एक जमींदार की नक्सलियों ने हत्या कर दी और उसके बाद उस पूरे पूरे एरिया में एक भारी नरसंहार हुआ और इसमें मुसलमान भी मारे गए, दलित भी मारे गए। और करने वाले कौन थे? डेफिनेटली सवर्ण जाति से नहीं थे। 1983 आते आते तो जातीय हिंसा जो है वो पूरी तरह से भड़कने लगी थी। 1983 में मुंगेर नरसंहार, यहां धानुक और यादव के बीच में जबरदस्त वर्चस्व की लड़ाई हुई, जहां पर धानुक जाति के 4 लोगों की हत्या यादवों के द्वारा कर दी गई। यह वर्चस्व की लड़ाई भी खेत जमीन की ही थी और यहां भी इस पूरे प्रकरण में अब तक इनके बीच की जमींदारी की लड़ाई चल रही है। और यहां से अब पूरे बिहार में जाति की लड़ाई को अलग अलग जातीय नेताओं ने फैलाना शुरू किया। इस समय तक मैं बता दूं कि अब राजनीति में लालू यादव, शहाबुद्दीन, नीतीश कुमार,
इन सबकी राजनीतिक यात्राएं शुरू हो चुकी थी। पैच मुंगेर छोटकी चनासी हत्याकांड 1985 में हुआ। इस हत्याकांड ने बिहार की राजनीति को बदल के रख दिया। ये राजपूत वर्सेस यादव के बीच था, दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी, दोनों के बीच जमीन की लड़ाई थी, लेकिन सीमांचल में इसका प्रभाव जबरदस्त हुआ और इतना हुआ इस पूरे खेल में यादव भिंड नामक जाति के साथ उतरे और नाव से उतरे और 400 राजपूतों के परिवार को लूट लिया गया। उनके साथ, उनकी महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ वो तो अलग बात है, नहीं बोला जा सकता, वेदना होती है। यह मैं बता रहा हूं कि हिंदू एकता, आज जो आप राजपूत भूमिहार पंडित कायस्थ यादव माइनस मुसलमान, आज जो आप हिंदू एकता देख रहे हैं ना बीजेपी के सत्ता में, ये थी नहीं, और एक दूसरे के खून के प्यासे थे। और बिहार को ऐसा बना दिया गया था कि आजीवन बिहार बर्बाद ही रहता। ये तो 2005 के बाद नीतीश कुमार ने नई विकास की कहानी लिख करके चीजें बदल दी। इस पे आऊंगा लेकिन वो अलग एपिसोड में। अभी पहले वो कुकृत्य जो लालू प्रसाद यादव के राज में और कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 1986 में इसका बदला राजपूतों ने लिया और 7 यादवों को मारा। ये पूरा जो नरसंहार है ये मुंगेर छोटकी छनासी हत्याकांड के नाम से जाता है और ये पूरे 1.5 साल तक ये पूरा एरिया ये भी जलता रहा। बिहार के औरंगाबाद में दोलचक भगौरा नरसंहार 1987। अब यादव और राजपूत के बीच औरंगाबाद तक बात पहुंच गई। कहानी फिर वही है, नाम लेना है किसका कि दलितों को कुछ नहीं मिल रहा है, कहानी में वो है ही नहीं। गाली सुदामा कोटे के नाम पर ब्राह्मणों को देनी है, कहानी में वो है नहीं। और राजपूतों के पास अगर भूमि थी तो यादव भूमिहीन नहीं थे, पहले ही बता दूं। ये लड़ाई इन दोनों के वर्चस्व के बीच में और राजद के नेताओं को चूंकि ऊपर जाना था इसलिए राजपूतों को टारगेट बनाया गया, वरना राजपूत कम्युनिटी आज भी बिहार में कोई बहुत यादों से आर्थिक रूप से अधिक मजबूत नहीं है। तो दोलचक भगौरा नरसंहार 1987 में जो हुआ, राजपूत और यादव समुदाय के बीच सैकड़ों एकड़ भूमि के विवाद के वजह से यह नरसंहार हुआ। माओसिस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ने 50 से अधिक राजपूतों की हत्या कर दी। कमाल है, कमाल है, बिना प्रवोक किए वहां पर 50 राजपूतों की आप हत्या कर दिए और आप चाह रहे थे कि बिहार में सब कुछ शांति से गुजरे, वैसा हो ही नहीं सकता। इस नरसंहार के कारण 40 राजपूत परिवार को पलायन करना पड़ा। मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे ने पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी और राहत देने की घोषणा की थी। कुछ दोषियों को अदालत में मौत की सजा सुनाई गई, ज्यादातर अभी भी गिरफ्त से बाहर है। 1988 नोनीगढ़ नागवान हत्याकांड, ये क्लासिक केस है। यहां यादव राजपूत एक साथ दलितों के ऊपर टूटे, एक गांव को घेर के रखा था, यहां भी भूमि विवाद था। अब तक आप देखेंगे तो पूरे जातीय खेल में भूमि विवाद, यहां राजपूत भूमिहार कुर्मी यादव इन सबके पास भूमि है। अभी आऊंगा जिन इस पूरे खेल में कैसे राजनीतिक दलों ने इसका राजनीति किया और पूरे बिहार के हर एक जाति को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और संपूर्ण पलायन हुआ। किसी को कोई आवाज देने की, लालू यादव क्या आवाज देंगे किसी को? लालू यादव के सत्ता में आने से पहले ही यादव मार रहे हैं लोगों को। लालू यादव किसी को क्या आवाज देंगे? कुर्मी जमींदार दलितों को मार रहे हैं। लालू यादव किसी को आवाज नहीं दे रहे थे, ये सिर्फ कहा गया। स्थिति यह थी कि बिहार को लेफ्ट ने प्रयोगशाला बनाया और आपस में बिहारियों को लड़वाया। कोसी क्षेत्र में आनंद मोहन सिंह और पप्पू यादव के नेतृत्व में दो जाति के आधारित गैंग सक्रिय थे। इन दोनों का कारण वर्चस्व की ही लड़ाई थी। राजपूत और पिछड़ी जातियों के हितों के सुरक्षा के लिए ये दोनों अपने नाम पर जो कर रहे थे उसका परिणाम क्या हुआ?
1991 में आनंद मोहन ने मंडल आयोग की सिफारिश के खिलाफ लालू प्रसाद यादव के शासन की अवहेलना करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध आयोजित किए। इस क्षेत्र में यादव गिरोह के सदस्यों ने राजपूतों की फसलें लूटकर उनके खेत को चुराकर उन्हें आतंकित किया। इस क्षेत्र में पप्पू यादव के हिंसक अभियान के कारण कई राजपूत और भूमिहार यादव बहुल गांव से पलायन कर गए। अब आप देखिए समुचित मैं जो कहना चाह रहा हूं, एक एक करके सभी जाति, चाहे वो दलित हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, यादव हो, सब पलायन को जाएंगे। यहां पर एजुकेशन की बात नहीं कोई कर रहा है, कोई हॉस्पिटल नहीं बना रहा है। आज पप्पू यादव जो कह रहे हैं विकास की बात, उस वक्त इन जो इतिहास है ना इनका बहुत काला है, बहुत काला है। और सोचिए दबंग कौन था जिसपे आरोप लग, और राजपूत जाति और भूमिहार जाति के लोग ही पलायन कर रहे हैं। तो आप एलिगेशन भले किसी पे लगा रहे हैं लेकिन वास्तविकता ये इतिहास के तथ्य है। अब बारा नरसंहार ये 1992 में हुआ और इसने बिहार की राजनीति को पूरा हिला के रख दिया। बारा नरसंहार में माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर द्वारा भूमिहार जाति के 37 लोगों की दुर्दांत ढंग से हत्या कर दी गई, बेदर्दी से गर्दन काट काट के, गोली मार मार के। यहां पे इंडिया टुडे का रिपोर्ट बताता है कि इसके परिणाम बहुत गंभीर हुए। लेटर ऑन बाथे नरसंहार की बीज यहीं से बो दी गई थी। ये जो भूमिहार 37 भूमिहारों की हत्या हुई और जो माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर पार्टी ने किया उसी का ये परिणाम था और गंभीर होना था, क्योंकि अब आग धधक रहा था ना। आप देखिए कि राजपूत अलग हो गया, कोयरी कुर्मी अलग हो गए, यादव अलग हो गए, सब वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और उसमें हत्या कॉमन लोगों की हो रही है। कॉमन लोगों की जब हत्या होगी तो उनके घर से कोई ना कोई रिवेंज लेने निकलेगा। और बिहार की राजनीति या राजनेता यही चाहते थे कि हाथ में बिहारी कलम छोड़ दे, बंदूक उठा ले, ताकि वो अपनी अपनी जाति के हिसाब से आजीवन सत्ता की राजनीति को भोगते रहे। 1993 में बिहार में इचरी नरसंहार हुआ जिसमें भोजपुर जिले के इचरी गांव में इंडियन पीपल्स फ्रंट के हमले में 5 लोग मारे गए। अब ये 5 लोग ऑफ कोर्स सवर्ण समुदाय से थे, इसका भी प्रभाव होना था। अब आप देखिए इसमें श्री भगवान सिंह कुशवाहा नाम के आज बड़े नेता बन गए हैं। मैंने कहा ना कि सब अपना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए सब हुआ था। आज भी बिहार में लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को, और नसीब में पलायन होने के बाद भी। लेकिन सत्य तो यह है कि हिंदू बर्बाद हो गए, ये सब हिंदुओं के साथ ही हुआ। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा इस पूरे नरसंहार में कि माओवादी पीपल्स पार्टी ने किसी मुस्लिम जमींदार के ऊपर हमला किया, हुआ ही नहीं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी यादव दबंग ने मुस्लिम के जमीन को खाली करा लिया हो या मुस्लिम के जमीन को हड़पा हो, हुआ ही नहीं। यह सिर्फ हिंदू के ऊपर सुनियोजित ढंग से कराया गया। पहले आपस में लड़े, उसके बाद देखा कि बन नहीं रहा है तो चलो किसी को तो टारगेट बनाओगे, तो जो जाति में कम रहेगा नंबर में उसके ऊपर काउंटर या उसके ऊपर हमला करना आसान होता है। इसलिए भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, इनकी जनसंख्या टेक्निकली कम थी तो इनको बना दिया गया बलि का बकरा। और असल में पूरे बिहार में जंगल राज चल रहा था, इसी की मैं बात कर रहा हूं। 1996 में बिहार के भोजपुर में बथानी टोला हत्याकांड, बहुत दुखद। लेकिन अपनी अपनी जातियों के यहां से तर्क शुरू होते हैं कि तुम हमको मारोगे हम तुमको छोड़ देंगे। लेकिन वो जो बिहार के हम जैसे बच्चों में जब हम बड़े हो रहे थे, जो गोलियों की तड़तड़ाहट का, गोलियों के गर्जन का जो कान पर प्रभाव है ना, वो आज तक गया नहीं है। और जब तेजस्वी यादव आज बात करते हैं ना जाति की, तो अनायास ही वो डर सामने आ जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं फिर से वही हो, आदमी कलम छोड़ दे, शिक्षा छोड़ दे, क्योंकि वो खुद भी तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन वो राजनीति उसी तरफ से आए। आप
देखेंगे उसके पूरे आईटी सेल को, अगर आप राजद के आईटी सेल को ट्रैक करेंगे, नीतीश कुमार ने इसमें एकदम अलग भूमिका निभाई, उसकी अलग कहानी बताऊंगा। मैं मानता हूं बिहार में आज जो भी है ठीक ठाक, थोड़ा बहुत जो भी बिहार में हुआ है उसमें नीतीश कुमार का कैसे योगदान था वो सेकेंड एपिसोड में हम करेंगे, लेकिन आज सिर्फ नरसंहार की बात करेंगे। बथानी टोला में भूमिहार और राजपूत जाति के लोगों ने रणवीर सेना के सदस्य बने और इसमें 21 दलितों की हत्याएं हुई जिसमें बच्चे भी शामिल थे। लक्ष्मणपुर बाथे हुआ इसके बाद बैक टू बैक, क्योंकि वहां लगातार माओवादी पीपल फ्रंट, लेफ्ट पीपल फ्रंट, इन लोगों ने जो लगातार हत्याएं की थी, तो डर के वर्सेस डर का खेल अब शुरू हो गया था। अब इनको भी दिखाना था कि हम डरपोक नहीं है, तुम हमको मारोगे हम भी तुमको मारेंगे। लक्ष्मणपुर बाथे बिहार का सर्वाधिक चर्चित नरसंहार में से एक है। 1996 में लक्ष्मणपुर बाथे में 56 दलितों की हत्या कर दी गई, बच्चा औरत सब, किसी के साथ नहीं छोड़ा गया। 1998 में अरवल जिला में रामपुर चौरम में सुरेश शर्मा दाह संस्कार से लौट रहे थे, तब तक 9 भूमिहारों की हत्या कर दी। इसके बाद तो भाई बवाल हो गया। 1999 में उजरी नरसंहार में वामपंथी उग्रवादी और रणवीर सेना के बीच ये जो चल रहा था उसी का एक अगला कांड था सेनारी, अब फिर से लेफ्ट ने भूमिहारों को मारा, इसमें एमसीसी ने 34 भूमिहारों की हत्या कर दी। यादव और पासवानों का वर्चस्व था इसमें, आज भी बहुत सारे लोगों को सजा नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों को बुटाई यादव, सत्येंद्र दास, लल्लन पासी, इनकी कहानी हुई। खैर उसके बाद 2000 में लखीसराय, यहां पर 11 मजदूरों की हत्या हुई, हरेराम यादव और जनार्दन सिंह संबंधित दो जाति, ये दोनों आपराधिक जाति के लोग थे और इन लोगों ने करा। कमाल है, आवाज दी, किसको दी? न भूमिहार बचा, न राजपूत बचा, न दलित बचे, न कोयरी बचे, न कुर्मी बचे, सभी जातियों के लोगों की हत्याएं हो गई, ब्राह्मणों की भी हत्या। ब्राह्मण तो बेचारा जमींदार भी नहीं था, फिर भी कहे कि कहा गया कि ब्राह्मणे सब कर रहा है। इस हत्याकांड और इस पूरे गोलियों के प्रकरण का परिणाम ये हुआ कि लोग शिक्षा से बिहार में दूर हो गए, जो कभी शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, और दोषी आप तय कर लीजिएगा। बाकी तेजस्वी यादव तो बता ही रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को आवाज दी। नमस्कार, जय श्री राम।